हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के जालौर समाचार में आपका स्वागत है। जालौर शहर में बागोड़ा रोड पर हनुमानशाला स्कूल के सामने मंगलवार दोपहर को रोडवेज बस की भिड़ंत के चलते होटल कारोबारी की मौत का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। दरअसल होटल कारोबारी अपनी पत्नी के साथ किसी काम को लेकर शहर गए थे। वहां से वापस लौटते समय हनुमानशाला स्कूल के सामने रोडवेज बस ने बाइक को भिड़ंत कर दी थी। भिड़ंत के दौरान होटल कारोबारी को मौके पर मृत घोषित कर दिया गया, जबकि पत्नी का इलाज जारी है। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कारोबारी को मोर्चे में रखवाया गया। वहां पर पुलिस ने शव का पीएम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं इस घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। इसी दौरान पुलिस ने बताया कि पारसमल नयाबास बस स्टैंड के सामने अपने होटल चलाते हैं और पिछले कई सालों से जालौर शहर में ही रहते हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक होटल कारोबारी पारसमल पुत्र सोनाराम घांची निवासी सरदारगढ़ खेड़ा हाल शांतिनगर जालौर के रहने वाले थे। पारसमल चार भाई थे और वह सबसे छोटा था। तो दोस्तों बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।